सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर पर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से विवाद को सुलझाने की गुहार की है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पंजाब सरकार इस मामले में राजनीति ना करे। कोर्ट ने पंजाब सरकार से ये भी कहा है कि हमें मजबूर ना करें कि हम इस मामले में कोई सख्त आदेश जारी करें। कोर्ट ने साफ कहा है कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार के सर्वे करने की प्रक्रिया में मदद करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लंबे समय से चल रहे इस विवाद का हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब सरकार इस दिशा में काम करेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये रिपोर्ट भी मांगी है कि पंजाब में SYL नहर के निर्माण में मौजूदा हालात कैसे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में होगी। आज आपको बताएंगे कि असल में सतलुज यमुना लिंक विवाद आखिर है क्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल। असल में पंजाब और हरियाणा के बीच SYL की विवाद की जड़ें तब खुदी जब पंजाब से अलग हरियाणा राज्य का गठन हुआ। 1966 में हरियाणा के विभाजन के बाद भारत सरकार ने पुनर्गठन एक्ट 1966 में हरियाणा के विभाजन के बाद भारत सरकार ने पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 78 का प्रयोग किया। इस एक्ट के तहत पेप्सू सहित पंजाब के पानी में से 50% हिस्सा हरियाणा को दे दिया गया, जो कि 1955 में पंजाब को मिला था। लेकिन पंजाब ने उस समय केंद्र पर आरोप मढ़ते हुए कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 का प्रयोग करना गैर संवैधानिक था। संविधान का उल्लंघन करके अंतर्राज्यीय जल विवाद एक्ट 1956 के अधीन ट्रिब्यूनल की जगह केंद्र सरकार द्वारा धारा 78 के तहत हरियाणा को पानी दे दिया गया। इसके बाद विवाद पनपा जब पंजाब ने हरियाणा से 18 नवंबर 1976 को 1 करोड़ रुपए लिए और 1977 को पंजाब ने SYL के निर्माण को स्वीकृति दे दी। हालांकि बाद में पंजाब ने SYL के निर्माण को लेकर जानकारी शुरू कर दी। इस पूरे मामले में 1989 में हरियाणा ने SYL के निर्माण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि SYL विवाद आखिर है क्या और कोर्ट ने अब तक क्या आदेश जारी किए हैं। SYL नहर का पूरा विवाद पंजाब ने हरियाणा से 18 नवंबर 1976 को 1 करोड़ रुपए लिए और 1977 को SYL निर्माण को मंजूरी मिली। बाद में पंजाब ने SYL नहर के निर्माण को लेकर आनाकानी करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1989 में हरियाणा ने SYL के निर्माण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पंजाब ने 11 जुलाई 1979 को पुनर्गठन एक्ट 1878 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। 1980 में पंजाब सरकार बर्खास्त होने के बाद 1981 में PM इंदिरा गांधी ने की मौजूदगी में दोनों राज्यों का समझौता हुआ। इसके बाद 1982 में इंदिरा गांधी ने पटियाला के गांव में कपूरी के टक लगाकर नहर का निर्माण शुरू करवाया। इसके विरोध में श्रोमणी अकाली दल ने SYL की खुदाई के विरोध का मोर्चा खोल दिया। 1985 में राजीव लांगोवाल समझौता हुआ, जिसमें पंजाब नहर के निर्माण पर सहमति जताई गई। 1990 में 3 जुलाई को SYL निर्माण से जुड़े दो इंजीनियरों की हत्या कर दी गई। उसके बाद हरियाणा के तत्कालीन CM हुकुम सिंह ने केंद्र सरकार से मांग रखी कि निर्माण में उनका काम BSF को सौंपा जाए। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 को पंजाब को 1 वर्ष का SYL नहर बनवाने का समझौता दे दिया और इसके निर्देश दिए गए। 2015 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए संविधान पीठ बनाने का अनुरोध किया। 2016 में गठित 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने पहली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को बुलाया। 8 मार्च को दूसरी सुनवाई पंजाब में 121 किलोमीटर लंबी नहर को पाटने के लिए काम शुरू हो गया। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति के आदेश देते हुए नहर पाटने का काम रुकवा दिया गया। 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य नहर का निर्माण नहीं करते हैं तो कोर्ट खुद नहर का निर्माण करवाएगा। 28 जुलाई 2020 को कोर्ट ने केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता का आदेश दिया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नोटिस जारी किया। नहर के निर्माण का मकसद हरियाणा के दक्षिणी हिस्से की बंजर जमीन का पानी पहुंचाना था,
हरियाणा ने नहर के अपने हिस्से का निर्माण 1980 में ही शुरू करवा दिया था, जिसमें कुल 250 करोड़ रुपए की लागत आई थी। प्रस्ताव के तहत पंजाब में नहर निर्माण के लिए आने वाले खर्च का कुछ हिस्सा हरियाणा को देना था। हरियाणा ने 1976 में ही 1 करोड़ रुपए की पहली किश्त पंजाब सरकार को दी, लेकिन पंजाब ने निर्माण नहीं किया और पैसा हड़प लिया। पंजाब में एसएस बरनाला के नेतृत्व में अकाली दल की सरकार थी, जिसने 700 करोड़ रुपए की लागत से नहर का 90% काम पूरा कर लिया, लेकिन 1990 में सिख उग्रवादी के 2 वरिष्ठ इंजीनियर और नहर पर काम करने वाले 32 मजदूरों की हत्या के बाद काम ठप पड़ गया। 1996 में हरियाणा सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए मांग की कि पंजाब नहर निर्माण का काम पूरा करे। आपको बता दें, पंजाब का तर्क है कि दोनों राज्यों के बीच 60% और 40% के आधार पर विभाजन समय संपत्तियों का बंटवारा किया गया था। 2029 में उसके कई क्षेत्रों में पानी खत्म हो सकता है। गेहूं और धान के फसलों के लिए पंजाब के पास सिंचाई के लिए पानी ही नहीं है, ऐसे संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में किसी और राज्य को पानी कैसे दिया जा सकता है। वहीं हरियाणा का कहना है कि केंद्रीय खाद पूल को भारी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाता है। वहीं न्यायाधिकरण के फैसले के बाद उसे उसके हल के पानी हक के पानी से वंचित रखा जा रहा है। पंजाब के पानी ना देने से उसके दक्षिणी इलाके में जल संकट पैदा हो सकता है। SYL ने 2 राज्यों में जो खाई बनाई है, वो शायद भरने में हरियाणा और उस पंजाब के बीच में समय लगे, लेकिन इस SYL ने के मुद्दे ने पंजाब में आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले को छेड़ दिया है। कांग्रेस आपको घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही।